मेरे भाई, अगर आप लोग भी सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, दुबई आने वाले हैं तो हमेशा हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं और जिसमें हम बहुत कुछ बताते हैं। शायद आप लोग उस वीडियो को देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, वो आप जानते हैं। लेकिन मेरे भाई, जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो 100% सत्य रहता है और मैं हमेशा आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हम बता सकें कि आज के ज़माने में जो आज का टाइम चल रहा है, आजकल इतने ज़्यादा लोग आ करके गल्फ मुल्क में, अरब मुल्क में फंस रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे भाई, आज भी मेरे साथ एक बंदे का बात हुआ, कॉल पे बात हुआ। वो बेचारा आज 5 महीने से बेबस है। 5 महीने से अभी तक उसको एक सैलरी भी नहीं मिला और इंडिया में 1,15,000 रुपया दे करके वो आया हुआ है। बोल रहा था कि सारे खर्चा मिला करके कम से कम मेरे को 1,40,000 रुपया हो चुका है, जिसके मैंने 7 रुपया सैकड़ा ब्याज में पैसा लेकर के अपने एजेंट को दिया था। और एजेंट जो है उनके बहुत करीबी आदमी है और इतने करीबी आदमी होने के बावजूद अगर वो फंसा सकता है तो अब आप खुद बताइए कि जिसको आप लोग देखे नहीं हैं, जिसको आप लोग जानते नहीं हैं, अगर उससे अगर आप काम कराते हैं तो क्या हो सकता है, आप खुद समझिए। मेरे भाई, सारे एजेंट और सारे ऑफिस वाले गलत नहीं होते हैं, लेकिन आज के डेट में बता रहा हूँ, बहुत ऐसे एजेंट है, 90% ऐसे एजेंट है, ऑफिस वाले लोग हैं कि जो लोग गरीब आदमी को, वो लोग जिसे बोलते हैं ना खून को चूस लेना और गरीब बंदे को कुछ नहीं समझना, वैसे ये लोग समझते हैं। हुआ ऐसा है मेरे भाई कि कुछ दिन पहले यानी कि जनवरी में बंदा आया हुआ था और जनवरी में वो आया, 1,15,000 रुपया ऑफिस वाले को पैसा दिया और जेसीबी ऑपरेटर में उसने आया था। और यहाँ पे आने के बाद उसको पहले बताया गया था कि हम आपको कपिल के पास नहीं, एक कंपनी में भेज रहे हैं जहाँ पे आपके सारे सुविधा मिलेगा, जाते वक्त आपको लाइसेंस बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग भी एक ऑपरेटर हैं या ड्राइवर हैं तो किसी भी गल्फ मुल्क में जाते हैं अगर आप, तो बिना लाइसेंस का अगर आप ड्राइविंग करते हैं या आपसे कोई ड्राइविंग कराता है तो वो यहाँ का उल्लंघन है या नियम का कानून जो है कि अगर आप एक ऑपरेटर हैं या ड्राइवर हैं तो सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है यहाँ पे और अपने काबिलियत को साबित करना पड़ता है कि भाई मैं एक ड्राइवर हूँ और मेरे पास ये लाइसेंस है। लेकिन वो बंदा जब आया, उसको आए हुए आज 5 महीना हो गया और 5 महीने में अभी तक उसको 1 रुपया तक सैलरी नहीं दिया गया है। अब आप लोग खुद सोचे कि जो बंदा 1,00,000 रुपया 7 रुपया सैकड़ा पे ब्याज पैसा लेकर के आता है और अभी तक वो पैसा नहीं चुका पाता है, उसको सैलरी नहीं मिला, तो कैसा फील करता होगा वो। मेरे भाई, अगर आप लोग भी गल्फ मुल्क में नौकरी करने के लिए आने वाले हैं तो आज के डेट में मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कि सबसे ज़्यादा लोगों के साथ में धोखा हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, लोग भेजने वाले एजेंट, मैं जानता हूँ इतने ज़्यादा एजेंट है, इतने ज़्यादा लोग एजेंट हैं कि आपसे जब बात करेंगे तो लगेगा कि पूरे देश तो लोग घूम कर आए हुए हैं और पूरे कंपनी के हाल जानते हैं। बस आपको बताने का तरीका उन लोगों का ऐसा रहेगा, इस तरीके से बात करेंगे आपसे कि लगेगा कि भाई ये तो कुछ नहीं है, वहाँ पर मज़ा ही मज़ा है। लेकिन हकीकत यह रहता है मेरे भाई कि अक्सर वो लोग गल्फ मुल्क में, विदेश में आकर के नहीं रहते हैं, वो लोग वहीं से बस पढ़ा चढ़ा करके आपसे बात करेंगे और आपको भेज देंगे, यहाँ पे आने के बाद आप फंस जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो लाखों रुपये ब्याज पर लेकर पैसा आता है तो मजबूर हो जाता है, कोई काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, चाहे पैसा मिले या ना मिले, सोचता है किसी भी तरीके से कि हम अपने घर चले जाए, हमारा कर्ज जो लेकर के आए हुए हैं वो कर्ज भी चूक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए हम हमेशा आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर आप ऑफिस से जाकर काम कराते हैं या किसी भी एजेंट से काम कराते हैं तो काम कराने से पहले आप लोग जरूर एक बार पता कर लीजिए कि कौन से कंपनी में आप काम करा रहे हैं और किस काम में। जो कंपनी का नाम बता रहा है उसके बारे में अच्छे से वेरिफिकेशन कीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद उसको बोलिए कि जी काम कराइए। अगर काम करा देता है, जब भी आपका वीज़ा आता है तो वीज़ा जब आता है आपका तो उस वीज़ा को आप लोग ऑनलाइन चेक कीजिए। ऑनलाइन चेक करने के बाद आप देखिए कि जो कंपनी का बात हुआ था क्या वही कंपनी है या दूसरा कंपनी है। अगर दूसरा है तो भाई आप लोग भी जरूर पता कर लीजिएगा, आँख बंद करके ये मत सोचिएगा कि हमारे पास तो वीज़ा आ गया, अब तो हमें कल पुल में जाना है। मेरे भाई, जिस दिन अगर आप लोग आते हैं ना, अगर अच्छा कंपनी नहीं मिलता है तो आने के बाद उसी दिन से सारे सपना चकनाचूर नज़र आता है। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।